आज की जो रेसिपी है वो है माँ की दाल। तो सबसे पहले मैंने रात भर दाल को और राजमा को भिगो के रखा है, और ये जो पानी है इसका एक्स्ट्रा गंदा पानी है इसको मैं निकाल दूंगा। और आप देख सकते हैं इसके साथ छिलके भी काफ़ी निकल गए हैं। ऐसे ही दाल को मैं 2 से 3 बार धोऊंगा। अब इसको मैं डाल दूंगा देग में। मैं देग में बना रहा हूँ, वहाँ तो वैसे बलटोइया होती हैं, इसके अंदर हम डाल देंगे पानी और इसको हम बॉयल पे लाएंगे। इधर हमारी दाल उबल रही है, तब तक जो है मैं इसका मसाला तैयार कर लेता हूँ। मैंने इसके अंदर ली है कुछ मोटी इलायची, इसके अंदर मैंने कूट लिया उसको, और 1 चम्मच में डालूँगा इसमें साबुत धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 टीस्पून सौंफ। ये मसाले को अब हम इसके अंदर डालेंगे जब पानी इसमें बॉयल आ जाएगा। अब इसके लिए हम पाउडर मसाले भी तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ सौंफ का पाउडर, ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इसके अंदर जाएगी कुटी मिर्च, और वो अच्छी क्वांटिटी में जाएगी क्योंकि ये स्पाइसी होती है दाल। ये आएगा इसके अंदर काली मिर्ची पाउडर। इस मसाले को भी मिक्स कर लेंगे हम। अब ये देख सकते हैं दोनों मसाले मैंने तैयार करके रख लिए हैं। हाँ, और इसके अंदर साथ में जाएगा कसूरी मेथी। सबसे पहले ये मसाला जाएगा, फिर बाद में जब दाल हमारी 80% या 70% पक जाएगी तो हम ये मसाला डालेंगे। ये देखिए दाल के अंदर आ गया है बॉयल। अब इसके अंदर मैं डालूँगा सबसे पहले हींग, और इसको फिर 5-7 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। अब जो है टाइम आ गया है इसके अंदर हम ये खड़े मसाले डाल दें, जिसके अंदर मोटी इलायची, साबुत धनिया, सौंफ और जीरा था। इसको हम फिर ढक देंगे और 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगा ये सरसों का तेल। आप चाहें तो आप इसके अंदर देसी घी भी डाल सकते हैं, बट ऑथेंटिकली जो है इसके अंदर सरसों का तेल ही जाता है। अब इस दाल को हम 70% तक पकाएंगे, उसके बाद हम ये मसाला डालेंगे, दूसरा जो पाउडर मसाला मैंने बनाया था। और अब इसके अंदर जाएगा नमक। आप देख रहे हैं हर चीज़ में स्टेप बाय स्टेप डाल रहा हूँ, इसके अंदर सब कुछ एक साथ नहीं डाल रहा हूँ। इसके अंदर मैं डालूँगा हल्दी। हल्दी को मैं डालूँगा पानी में घोल के, वो इसलिए कि इसके अंदर जो है गुठलियाँ ना पड़ें। ये दाल जो है अभी 60% पक चुकी है। मैं डाल दूंगा इसके अंदर मसाला जो मैंने बनाया था। और इस दाल को अब हम पकाएंगे तकरीबन 45 मिनट तक। दाल को 45 मिनट हो चुके हैं और ये अभी तक इसको मैं जो है अब घोट रहा हूँ, और इसके अंदर अब मैं लगाऊंगा तड़का। वहाँ पे भी तड़का जो है तेल में ही लगता है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। घी हमारा गर्म करेंगे हम अच्छी तरीके से, कि दाल को मैं अभी काट रहा हूँ। इस दाल को अगर भीगी हुई है तो भीगी हुई दाल में ही मेरे को 3.5 घंटे लग गए इसको बनाने में। ये मैंने डाल दी इसमें लाल मिर्ची। ध्यान रखिए लाल मिर्ची जो है ना स्प्लटर करती है। और इसके अंदर मैं डाल दूंगा ये थोड़ा सा साबुत धनिया क्रश करके, और ये थोड़ा सा जीरा, और इस तड़के को हम डाल देंगे ये दाल के अंदर। तो लीजिए हमारी बिलासपुरी धाम की जो दाल है तैयार है। तो अब हम इसको करेंगे सर्व, गैस करेंगे हम बंद।
हमारी माँ की दाल तैयार है सर्व करने के लिए, खाइए इसको चावल के साथ, इसका मज़ा भात के साथ ही है खाने को। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मेरी आईडी है chef.anirudh80। chef anirudh is ready, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।